फर्स्ट वीडियो हमने वी किया एंड द इंडिकेटर्स एंड द टाइप ऑफ द इंडिकेटर्स दैट इज सूचक और सूचक इतने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने बात की इन द सेकेंड वीडियो वी परफॉर्म वेरियस टेस्ट एट द डोमेस्टिक होम अपने घर में हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं हमने उन पर थोड़ी सी बात की थी इन दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रेन एंड द यूज ऑफ द पी एच कंसेप्ट इन अवर डेली लाइफ और एसिड बेस की नॉलेज का अपने हम घर में अपने आसपास कैसे यूज कर सकते हैं इसके ऊपर काम करेंगे पहला तो एक ये सामने सिंबल है इसका ध्यान रखिए अगर ये किसी केमिकल के ऊपर है इसका मतलब है कि वो क्या है वो कॉन्सेंट्रेटेड है अगर आपके हाथ के ऊपर गिरा कपड़ों पे गिरा तो उसको जला देगा इसलिए आप उसको क्या कीजिए सेफली यूज कीजिए वी हैव स्टडीड अबाउट लिटमा सोल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन किससे मिलता है लिचन से मिलता है लाइकेन से मिलता है इट्स ओरिजिनल कलर इज पर्पल और मॉक कलर दैट इज हल्का सा बैंगनी रंग का होता है और ये एसिड के साथ रेड और बेसिस के साथ ब्लू कलर रहता है लेकिन अगर हम इन एसिड और बेस दोनों को मिला दें तो क्या होगा जब भी हम एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो साल्ट और वाटर बन जाता है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद सूटेबल बेस एंड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर

जब इसके साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना एन ए सी एल एन ए सोडियम है सी एन क्लोरिन है तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस एच टू वाटर प्लस हीट तो हीट निकली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही है साथ में ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ऐसे ही हम एक और टेस्ट कर सकते हैं हमने सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ा दैट इज डेट इसलिन अगर हम फिनोलफिथेलिन की बात करते हैं तो ये खुद कलरलेस है जब इसमें हम कोई एसिड भी ऐड कर लेते हैं सपोज हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तब भी ये क्या रहेगा कलरलेस ही रहता है लेकिन वेन बी एड बेस सच एज एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस डाल दिया तो ये क्या हो जाता है लाइट पिंक में चेंज हो जाता है किसमें हो जाएगा ये लाइट पिंक में तो हम ये टेस्ट भी कर सकते हैं इसके सिवा आगे चलते हैं सपोज लाइम वाटर है हमारे पास Ca(OH)2 ट्वाइस अगर इसको अब लाइम वाटर क्या होता है चूने का पानी चूने के पानी में क्या क्या है सी ए सी ए क्या है बच्चे कैल्शियम सी ए क्या होता है थोड़ा थोड़ा इन एलिमेंट्स को याद करेंगे सेवंथ वाले टेंथ तक होते है, काफी कुछ कवर हो जाता है तो एसके इसके अंदर दिस इस इज सल्फर तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया सी ए ओ एच ट क्या बोलना इसको जो वेक्टो के अंदर होता है उसके बाहर क्या पढ़ना ट्वाइस तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सी ए ओ एच टे लाइम या इसको सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ रिएक्ट किया डल्यूट एच टू इज सल्फ्यूरिक एसिड अगर कहीं डेल लिखा है लिखा है है तो इसका मतलब ये क्या इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी मिलाया गया है एसिड क्या है कम है राइट और सी एच टू एसो के पढ़ना आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या पढ़ेंगे इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रखिएगा कैल्शियम तो ये बन गया कैल्शियम इधर क्या बन गया इसमें से कैल्शियम सल्फेट ये बेस है ये एसिड है ये साल्ट है प्लस वाटर प्लस हीट का प्रोडक्शन हो जाती है जब हम इस न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ये हम हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ी तरह यूज कर सकते हैं जैसे सबसे पहले इनडाइजेशन नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में एस पैदा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दिस स्केल जर्म्स एंड हेल्प इन द डाइजेशन जो हमारे हाथ में खाने के साथ कीटाणु अंदर चल जाते हैं इनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारता भी है और बाकी चीज़ों को बचाने में हेल्प करता है इफ इट इज सिकेटेड इन एक्सेस अमाउंट अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में सिकेट हो जाता है तो अंदर से जो हमारी क्या रहती है एलिमेंट्री कनाल रहती है जो खाने की नली रहती है उसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है उसमें जख्म हो जाते हैं तो दैट कंडीशन इज नोन इन डाइजेशन अब इस इन से कैसे बचना है ये बड़ी बात है आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है एंटासिड एंटासिड का मतलब हुआ एसिड का उल्टा तो ये एसिड से उल्टी चीज दे देगा तो क्या देता है आपको बेस दे देता है और वो क्या बेस है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम क्या हुआ फिर एक नया चीज आ गई दैट इज मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक बेस है अब क्या होगा देखो बेस है पेट में क्या था एसिड था दोनों इकट्ठे हो गए साल्ट और वाटर बन गया रिएक्शन ये है आपके पास

आपको चींटी ने काट लिया तो हमें क्या लगाना एसिड के ऊपर टू गेट रिलीफ बी अप्लाई बेस हम कोई बेस लगा देंगे हमारे घर में क्या हो सकता है बेकिंग सोडा पड़ा हो सकता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट हम किसी को भी लगा देंगे फिर क्या होगा देखो ये बेस है ये एसिड है फिर एक्शन क्या हो जाएगी एसिड प्लस बेस गिव राइस टू साल्ट एंड वाटर सो वी गेट रिलीफ कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए उसका एक एक फंडा रखिए जिंदगी में क्या लिखिए वेन एसिड रेक्ट विद बेस साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म एंडक्सॉइल की ट्रीटमेंट भी की जाती है हमारी सॉइल का पीएच बिल्कुल सही होना चाहिए टू मच एसिडिक और बेसिक सॉइल इज नॉट फिट फॉर ऑल क्रॉप प्रोडक्शन हमें सारी ही क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एसिडिक या बेसिक सॉइल ठीक नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता है हमें इसको क्या करना है वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट हमें इसको न्यूट्रलाइज करना तो कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम एसिडिक एसिडिकॉयल में हम क्या डाल सकते हैं सीए ओ सीए क्या है ध्यान रखिए फिर से आया पहले भी आ चुका सी ए क्या है कैल्शियम क्या है ऑक्सीजन फार्मूला बन गया तो इसको किस नाम से जानते हैं क्विक लाइम लेकिन वैसे फार्मूला क्या है ये कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड अगर कैल्शियम ऑक्साइड हम डाल देते हैं तो चूने का पाउडर है ये इसमें डाल देते हैं साल्ट प्लस वाटर बन जाता है हमारी मिट्टी न्यूट्रल हो जाती है या दूसरा हम क्या डाल सकते हैं स्लेक्ड लाइम स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एच टाइज तब भी क्या होगा सेम रिएक्शन साल्ट एंड वाटर तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं आगे केस आता है वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज वेन एवर द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज इज एडेड इन द वाटर इट किलिक एनिमल्स मतलब क्या है कि जो फैक्ट्रियों का वेस्ट निकलता है बच्चे उसमें बहुत ज्यादा एसिडिक मटेरियल होता है ये जो एसिड जब बाहर जाता है तो क्या करता है जो पानी में रहने वाले जलीय जीव है क्वेटिकलाइमीस जलीय जीव है उनको नुकसान पहुंचाता है उनको मार देता है इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें इस वेस्ट वाटर को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा कैसे करेंगे न्यूट्रलाइज हम किसी बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं तब जाके इसको वाटर रिसोर्स में छोड़ देते हैं राइट फिर एक और कंसेप्ट है एसिड रेन आपने कई बार सुना भी होगा कि एसिड रेन हो गई क्या होती है हैविंग पीएच लेस देन 5.6 जिसका 5.5 इससे कम पीएच होता है उसको हम क्या कहते हैं रेन कहते हैं ध्यान रखना बेटे पीएच जब भी लिखना है पी स्मॉल होना चाहिए एच कैपिटल होना चाहिए और इसका मतलब क्या है दिस इज पोटेंच ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन की क्षमता कि इसके अंदर कितने एच पॉजिटिव आयन किसी के अंदर उपस्थित है जितने एच पॉजिटिव ज्यादा होते हैं उतनी चीज ज्यादा एसिडिक होती है तो कहते हैं कि जिसका इससे कम हो जाए पीएच वो क्या हो जाएगी एसिडिक हो जाएगी अब पहली बात एसिड रेन होती क्यों अवर एटमोसफियर और द एयर है मैनी टाइप ऑफ पल्यूटेड हमारी एयर में कई तरह के पोल्यूटेंट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू सल्फर डाई ऑक्साइड दो है तो डाई पढ़ना होता है सी कार्बन डाई ऑक्साइड सल्फर डाई ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड तीन है तो ट्राई पढ़ेंगे ठीक है सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या कहा मैंने दो को क्या पढ़ना है डाई तीन को क्या पढ़ लेना आपने ट्राई टी आर आई बाकी वही रहेगा ओ को क्या पढ़ दिया ऑक्साइड अब क्या होता है एयर है मैनी पोल्यूटेंट्स लाइक सीओ टू एसओ टू एनओ टू एसओ थ्री वेन दीज पोल्यूटेंट कंबाइन विद रेन जब ये बारिश के पानी के साथ करते हैं इट कॉज एसिड तो ये क्या करते हैं एसिड रेन कर लेते हैं अब कैसे एच टू ओ एक बात ध्यान रखनी बेटे एच टू ओ क्या है पानी है सीओ टू क्या है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा एसिड बना कार्बोनिक एसिड ऐसे ही एच टू ओ प्लस एनओ टू एन क्या है नाइट्रोजन ओ टू क्या हो गया डाइऑक्साइड क्या बन गया नाइट्रिक एसिड एच टू ओ प्लस एसओ टू क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा बन गया एच एसो थ्री सल्फ्यूरस एसिड क्या बना ये सल्फ्यूरस एसिड ऐसे ही एच टू ओ प्लस एसओ थ्री क्या बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड ठीक है जब सल्फर तो क्या बनता है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है इस एसिड रेन के कई साइड इफेक्ट होते हैं क्वेश्चन हो सकता है वट आर द साइड इफेक्ट ऑफ एसिडेन या हाउ साइड सॉरी एसिड्रेन कॉज मैनी हार्म्स टू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड्रेन या हाउ एसिड्रेन इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ तो ये सारे आंसर हैं तो अब हमारे पास कह रहा है इट इट डिस्ट्रॉय मार्बल मॉन्यूमेंट्स हमारे पास जितने भी संगमरमर की बनी हुई जितनी है बिल्डिंग्स है उनको ये नुकसान पहुंचाता है क्यों एसिड वही बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा साल्ट आ जाएगा तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं मार्बल कैंसर इसलिए आप जानते हैं कि ताजमहल पे क्या हो गया था उसका भी रंग येलो होना शुरू हो गया था इसलिए उसकी सराउंडिंग की जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सारी बंद करवानी पड़ गई थी इट कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स ये पत्तों को पीला कर देता है मतलब क्रॉप प्रोडक्शन को कम कर देता है इट साइड इफेक्ट द स्किन एंड आई सेट आंखों और स्किन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर ये पानी आंखों में घुस जाए तो आंखों की रोशनी के ऊपर आई साइड पर प्रभाव पड़ता है इट कॉज हार्म टू एक्वाटिक लाइफ जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके साथ भी बहुत बुरा होता है कई बार तो उनकी टोटल लाइफ ही खत्म हो जाती है फिर चलते हैं कुछ और डिस्कस कर लेते हैं टूथ डिक दांतों हमारे दांत खराब होते हैं एक्चुअली कीड़ा लग जाता है इसको हम बोलते हैं पहले तो ये बात याद रखने वाली कि जो हमारी बॉडी है ये कितने पे काम पे कर सेवन टू सेवन पॉइंट एट पी पे काम करती है

सी सीए क्या है कैल्शियम पी क्या है फॉस्फोरस वो क्या है ऑक्सीजन कैल्शियम फॉस्फोरस ऑक्सीजन तो कैल्शियम फॉस्फेट की ये सब चीजें बनी हुई होती लेकिन क्या है जब हमने रात को चीनी खाई दूध पिया या रोटी वगैरह खाई फूड पार्टिकल से और हमने ब्रश नहीं किया सो दीज शुगर और फूड पार्टिकल बिकम द डाइट ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरिया की डाइट बन जाती है एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस द एसिड बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है एंड दिस एसिड हिंटर द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फ्रेट जितना हमने दिन में खा खो के कैल्शियम फॉस्फ्रेट घसाया होता है उतना मुड़के भी कहा जमना होता है दांत पे जमना होता है फिर उसकी डिपोजिशन नहीं होती है इसलिए दांत क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं और इवन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑल्सो हैव द मेकानिजम ऑफ दिस एसिड बेस फॉर देयर डिफेंस अपने आप जाने के लिए एनिमल्स भी ऐसा करते हैं जैसे हमने पढ़ा एंट चींटियाँ क्या करनी हैं फार्मिक एसिड मिथोनइक एसिड इवन हनी बीज वो भी क्या प्रोड्यूस करती हैं मिथेनोइक एसिड याद रखिएगा वो अपने बचाव के लिए इनको प्रोड्यूस करती हैं ऐसे नीटल प्लांट नीटल प्लांट को हम क्या बोलते हैं बिच्छू बूटी अगर आप कभी शिमला साइड जाओ ऐसे पहाड़ों पे जाओ तो ध्यान रखना है इस बुट्टी को टच नहीं करना है क्यों नहीं टच करना है बिकॉज इट्स लीव्स है मिथोनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इसके पत्तों में भी एसिड होता है जैसे आपकी फिंगर पे टच हो गई शुरू हो जाएगी आपको इरिटेशन हो जाएगी दर्द होनी शुरू हो जाएगी तो मुश्किल करते अब लेकिन गाय इसको खा लेती है गाय इतनी इंटेलिजेंट है कि इसको खाने के बाद जब कहीं ज, उसके बाद क्या करती है वो डॉग प्लांट को खाती है जंगली पालक जैसा पौधा होता है उसको खा लेती है और मजे से घूमती अब इस डॉग प्लांट में एक्चुअल क्या है देट है बेस अब एसिड के साथ बेस जुड़ गया क्या हो गया न्यूट्रलाइजेशन एक्शन हो गई और गाय ठीक रही इसी से क्या हुआ हमें पता लगा कि नेचर भी क्या करती है उसमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है न्यूट्राइज फोर्सेस अपने आप कर देती है तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन